मंथ के फर्स्ट चैप्टर की यानी कि सेट्स की, और सेट्स पर मैं आपका इससे पहले 3 लेक्चर डाल चुका हूँ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये तो वर्बली ही हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो देखिए जितने भी हमारा जो ईयर होता है उसमें जितने भी मंथ्स होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं उनके कलेक्शन की बात कर रहा है। और सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब यानी कि पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी नहीं करनी चाहिए। आप किसी से भी पूछेंगे कि जो एक साल में जितने भी मंथ्स आते हैं और जो जे लेटर से स्टार्ट होता है तो सबका आंसर एक ही आएगा। कौन कौन से होते हैं वो मंथ्स, जनवरी जून एंड जुलाई, सबका आंसर सेम आएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए ये सेट का एग्जांपल नहीं है क्योंकि इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। राइटर्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, यानी कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर की कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन से होंगे। हर किसी के हिसाब से टैलेंटेड राइटर अलग अलग होता है, तो ये एक सेट का एग्जांपल नहीं है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई जितने भी बढ़िया क्रिकेट के जो जितने भी अच्छे बैट्समैन हैं वर्ल्ड में उनके कलेक्शन की बात कर रहा है, तो ये भी सेट का एग्जांपल नहीं है। तो सेट का कौन है एग्जांपल, सबसे पहले तो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड नहीं है, थर्ड अभी हमने देखा बात की नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड हर किसी के मुंह से कोई बोलेगा वो अच्छा बैट्समैन है, कोई बोलेगा ये अच्छा बैट्समैन है, किसी को कोई और बैट्समैन अच्छा लगेगा, तो पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी करेगी, इसलिए ये सेट का एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, यानी जितने भी लड़के हैं उन सबका एक कलेक्शन बना दीजिए, वो एक सेट का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की, तो ये भी एक सेट का एग्जांपल है। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कौन कौन से सेट्स हैं इनमें से, तो आंसर है हमारा फर्स्ट फोर्थ। आगे बात करते हैं हम फिफ्थ की, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो जितने भी 100 से जितने भी छोटे नेचुरल नंबर्स होंगे उनके कलेक्शन की बात करें सबके मुंह से आंसर सेम ही आएगा, तो ये भी एक सेट का एग्जांपल है, यानी कि फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स पार्ट की, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी आज तक नॉवेल्स लिखे हैं, जो भी ये लिखी है उनकी जो बुक्स लिखी हुई गई है, नॉवेल्स लिखे गए हैं उनके कलेक्शन की बात करें सबके मुंह से आंसर सेम आएगा, यानी ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है। तो ये है हमारा सिक्स नंबर। अब बात करते हैं सेवंथ पार्ट की, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनके कलेक्शन की बात की जा रही है, वो भी आप दुनिया में कहीं पे भी जाके किसी भी मैथमेटिशियन से बात कर लीजिए तो उसका आंसर वही आएगा जो और लोग बताएंगे दुनिया में। आप किसी भी बंदे से बात कर लीजिए वो बोलेगा ये है इस कलेक्शन इवन इंटीजर्स का, सबका आंसर सेम आएगा, तो ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एट्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी
क्वेश्चंस होंगे उनका एक कलेक्शन बना दे और ये बुक आप किसी के पास भी ले जाइए, सबका आंसर सेम आएगा, वो कहेगा हाँ भाई ये कलेक्शन है इस बुक के, इस चैप्टर के क्वेश्चंस का, तो सबका आंसर सेम आएगा। तो जो 8th पार्ट है ये भी एक सेट का एग्जांपल है। मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है सेकंड पेज पे था, मैंने सोचा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7 पार्ट्स ही हैं, तो बात करते हैं आप 9th क्वेश्चन की। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं उनके कलेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। क्या कि कोई कहेगा मुझे इस एनिमल से डर लगता है, कोई कहेगा मुझे उससे डर लगता है, कोई कहेगा मुझे छिपकली से डर लगता है, कोई कहेगा कॉकरोच से डर लगता है, तो सबके मुंह से डेफिनेशन अलग अलग आएगी। कोई कहेगा मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, मुझे तो कॉकरोच से डर लगता है, कोई कहेगा मुझे कॉकरोच और छिपकली से डर नहीं लगता, मुझे कुत्ते से लगता है। तो ये जो है ये सेट का एग्जांपल नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं हर क्वेश्चन पे एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, हर यानी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हर क्वेश्चन पे एक अलग लेक्चर मिलेगा। इससे ये रहेगा कि आपको लेक्चर में जो है क्वेश्चंस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन पे एक अलग लेक्चर होगा। क्योंकि अगर मैंने ऐसा देखा है एक ही लेक्चर में यानी मैं 3-4-5 क्वेश्चन डाल दूं तो बच्चा यही ढूंढता रहता है चौथा क्वेश्चन किस में मिलेगा, यार क्वेश्चन नंबर 9 कौन से लेक्चर में होगा। तो क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे टाइटल में और जो थंबनेल होता है मेरा, जो फोटो दिखाई देता है आपको, उसमें दिखाई दे जाएगा कि इस लेक्चर में मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस धन्यवाद।